किसान एकता, किसान एकता, हरियाणा पंजाब एकता, भारत देश की एकता, भारत देश के किसानों की एकता, जय जवान, जय हिंद। नमस्कार, सीडी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और इस वक्त की ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पानीपत टोल प्लाजा से, जी हां, जहां आज किसान आंदोलन को एक वर्ष पूरा हो चुका है और उसी को लेकर आज दिल्ली बॉर्डर पर जो है किसान एकजुट होंगे, वहां पर जश्न जो है किसान आंदोलन में मनाया जा रहा है। तमाम देख सकते हैं पानीपत टोल प्लाजा पर किसान एकजुट होना शुरू हो चुके हैं और पंजाब से जो किसान यहां पर पहुंच रहे हैं उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया जा रहा है। कुछ ही देर में किसान यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, उससे पहले देख सकते हैं यहां पर लंगर की व्यवस्था की गई है। जो भी किसान यहां से गुजर रहे हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था की जा रही है, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम जो किसान यहां पर पहुंचते नजर आ रहे हैं यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीडी तहलका पर। बता दें कि लगातार तमाम तस्वीरें हमने आपको सीडी तहलका के माध्यम से दिखाई किसान आंदोलन में, तमाम वो तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी लगातार हम आपको सीडी तहलका के माध्यम से दिखाते आए हैं। और आज किसान आंदोलन को एक वर्ष पूरा हो चुका है जिसको लेकर आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या कुछ कहना है जी, क्या कुछ कहना आज किसान आंदोलन को एक वर्ष पूरा हो चुका है? हाँ जी, 26 नवंबर 2020 से जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था, आज एक सालगिरह मनाई जा रही है, उसकी खुशी में आंदोलन एक जीत की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। तीनों कानून, यह जो हिस्ट्री लिखी गई है कि भी पंजाब से अगुवाई करते हुए पूरे भारत के अंदर ये आंदोलन ऐसा फैला कि बीजेपी के रोंगटे खड़े हो गए। एक साल से जैसे आंदोलन को बदनाम किया गया और गाड़ियां चढ़ाई गई, तरह तरह के नाम दिए गए, आतंकवादी, वक्फवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा गया और कई तरह से भड़काया भी गया। मगर ये जो गुरु अर्जन देव जी ने हमारे पांचवे गुरु सबर की जीत हुई है और जबर का अंत हुआ है। जैसे औरंगजेब का राज था, जब जबर चढ़ रहा था, जुल्म चढ़ रहा था, उसी टाइम गुरु अर्जन देव जी ने शहीदी देकर एक सबर की जो जीत हुई थी, हमेशा सबर की जीत हुई है। और ऐसे ही किसान आंदोलन एक हिस्ट्री लिख दी गई है कि भी आज तक कोई कानून वापस नहीं हुए और ये कानून वापस, और बीजेपी के अंत वक्त भी कहते थे कि भी कानून वापस नहीं होंगे, आज उनमें काफ़ी रोष है और उनको घृणा महसूस हो रही है कि भी ये कानून वापस कैसे हो गए। बहुत ही एक उमदा ये जीत मानी गई है। अभी भी लड़ाई जारी है हमारी MSP पे कानून, और जो जितने भी केस दर्ज हुए हरियाणा, पंजाब, UP के अंदर वो वापस होंगे, वो तभी हमारी जीत होगी। और भी जैसे पराली पे कानून बना है वो भी रद्द होना चाहिए, बिजली के ऊपर भी जो अमेंडमेंट किया वो भी रद्द होने चाहिए सारे। ये संयुक्त मोर्चे ने जो 6 अपनी डिमांडें रखी हैं और प्रधानमंत्री को खुले तौर पर लेटर लिखा है, वो उस पर डिस्कशन होना चाहिए, फिर किसान दिल्ली बॉर्डर से उठ जाएंगे। एक MSP पे कानून और एक जो FIR दर्ज हुई है वो भी रद्द होनी चाहिए। ये एक बहुत ही बढ़िया, मतलब कि एक ऐतिहासिक जीत है, वर्ल्ड गिनीज बुक में भी ये लिखी जाएगी, इस पर फिल्में भी बनेंगी। और इतनी शहीदियाँ हुई, 750 से ज़्यादा शहीदियाँ हुई, ये उन शहादतों को शत शत प्रणाम, कैसे मतलब कि उनको शहीद किया गया, कैसे गाड़ियाँ भी चढ़ाई गई, कैसे बॉर्डर पे भी शहीद हुए हमारी माएँ बहनें और भाई और हमारे बुजुर्ग, बहुत बहुत उनको शत शत प्रणाम। आंदोलन तो देखिए बिल्कुल कई इनकी अभी भी मांगे हैं किसानों की। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसान कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद तमाम जो किसान थे उनके चेहरे पर खुशी जरूर देखने को मिली थी। और आज किसान आंदोलन को एक वर्ष पूरा हो चुका है जिसको लेकर आज दिल्ली बॉर्डर पर तमाम जो किसान हैं वो एकजुट होंगे। कुछ और किसान उनसे बातचीत करेंगे, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जो अपना किसान है ये एक देश की रीढ़ की हड्डी है, किसानों से देश चलता है और हमेशा किसानों ने इस देश का विकास कराया है। अब क्यों 80% किसान
गांव में बसते हैं, भारत के गांव से चलती है और हमारे पंजाब ने ये शुरुआत करी और ये हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात सारे देश में एक आग की तरह फैला और सारा किसान एक हुआ। और ये पहला मौका था जो इस प्रधानमंत्री ने, इतना लंबा टाइम लगा फिर भी किसी ने कहा था साइज बगैसो मीठा हो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यह आज हमारे भाई बहुत अच्छे नेता थे, अच्छे किसानों के बुद्धिजीव थे जिन्होंने एक शांति से और प्यार से यह लड़ाई को जीता। और ये प्रधानमंत्री के हैं कि एक साल के अंदर खुली, चलो देर आए दुरुस्त आए है, फिर भी आज है नहीं सारे समाज, किसान किसान नाम है नहीं, अब टोटल समाज में, समाज का मतलब है मजदूर हो, दुकानदार हो, फैक्ट्री वाला, कारखाना वाला, सारे समाज में आज हौसला हो रहा है। लेकिन यह भी हौसला 40% है, हौसला 100% उस दिन होगा, उस दिन MSP का कानून होगा, रोजगारों को, बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन होंगे, सारे रेलवे भी, सारे जहाज भी और सारे ये वापस होने चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट के होने चाहिए। रेलवे में कम से कम 125 बालक लगया करता, 125,000 बालक आज साल लगया करता है, रोजगार के भी साधन होने चाहिए, हर चीज होनी चाहिए, देश जैसे पहले तरक्की करा था ऐसे। और मैं अपने किसानों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, खास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था है आसान आजाद रहना होना पर कठिन आजाद रहना। आज मैं अपने किसानों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने तालुका के सिटी तालुका के सर, ये किसानों से करता हूँ, आपने कुछ जीत करी है, अभी बहुत कुछ जीत करनी है, ऐसे ही इकट्ठा रहना, ऐसे संगठित रहना है और आज साल हर बॉर्डर में ऐसे मेले लगा करेंगे 26 नवंबर ने जैसे अब लग रहे हैं, उनका मतलब है हम सदा भारत देश का सारा किसान इकट्ठा रहेगा। जय हिंद। बिल्कुल, देखिए कुछ अंदर की तस्वीरें भी, किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखिए सबसे पहले हलवा खिलाया जा रहा है, जो भी किसान पार्वती टोल प्लाजा पर पहुँच रहे हैं उनको प्रसाद यहाँ पर खिलाया जा रहा है। अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि पंजाब की ओर से जो किसान लगातार पहुंच रहे हैं उनको यहां पर लंगर की व्यवस्था की गई है। तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हैं सिटी तालुका के माध्यम से। ये देखिए मक्की की रोटी और सरसों का साग, बिल्कुल किसानों को आज पंडित टोल प्लाजा पर मक्की की रोटी और सरसों का साग यहाँ पर खिलाया जा रहा है। तमाम देखिए मक्की की रोटी आपने घरों पर खाई होगी, ढाबों पर देखी होगी, लेकिन आज किसान आंदोलन में भी आपको मक्की की रोटी और सरसों का साग खाने को मिलेगा। देखिए पानीपत टोल प्लाजा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक साल से लंगर चल रहे हैं, लगातार लंगर की जो व्यवस्था है लगातार चल रही है। पिछले एक साल की यदि बात करें तो लगातार पानीपत टोल प्लाजा पर लंगर चल रहा है और आज लंगर में किसानों को मक्की की रोटी और सरसों का साग, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिटी तहलका पर, तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हैं सिटी तहलका पर। और आज किसान आंदोलन को एक साल पूरा हो चुका है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत टोल प्लाजा पर, कुछ किसान यहाँ पर लंगर छकते नजर आ रहे हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज एक साल पूरा हो चुका है तो देखिए बिल्कुल लगातार लंगर यहाँ पर चल रहा है। पिछले एक साल से पानीपत टोल प्लाजा पर एक साल से लगातार लंगर की व्यवस्था की गई है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लगातार हम आपको सिटी तहलका पर लगातार तस्वीरें दिखाते हैं, हर जो तस्वीर है वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। और आज पानीपत टोल प्लाजा से किसान दिल्ली की ओर कुछ ही देर में कूच करेंगे। हालांकि लगातार पंजाब के रास्ते से जो किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीरें, दिल्ली पंजाब की ओर से लगातार किसान यहां पर पहुंचते नजर आ रहे हैं और लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और कुछ और तस्वीरें हम आपके सामने जल्द ही लेकर आएंगे, तब तक इस वीडियो को, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। पानीपत टोल प्लाजा की ये सामने 30 तस्वीरें आपको दिखाई।
जहां पर जिले भर के किसानों के साथ साथ जो पंजाब के रास्ते से जो किसान यहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था की गई है और लगातार किसान यहां से होते हुए पहुंच रहे हैं दिल्ली की ओर, यहां से लगातार कुछ कर रहे हैं और स्वागत किसानों का यहां पर किया जा रहा है। पेट्रोल प्लाजा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।